अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं चेज़ अप शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़ा हुआ हूँ और मैं ईद की शॉपिंग के लिए आया हूँ। लेकिन ये मेरी ईद की शॉपिंग नहीं है, मेरे साथ तकरीबन 200 से ऊपर बच्चे मौजूद हैं, उनकी ईद की शॉपिंग है। वो बच्चे कौन हैं, वो बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, वो सब आपको वीडियो में पता चलेगा। लेट्स गो। यहाँ पर 200 से ऊपर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जो कि अलखिदमत के वॉलंटियर्स के साथ हैं, और अलखिदमत के वॉलंटियर्स इन बच्चों को ईद की शॉपिंग करवा रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये अलखिदमत का ऑर्फन केयर प्रोग्राम है, मतलब ये कि कफालत यतामा। इसके अंदर जितने भी यतीम बच्चे हैं जो कि अपने खाला मामू किसी के साथ भी रहते हैं, किसी अंकल आंटी के साथ रहते हैं, उनकी कफालत की जिम्मेदारी अलखिदमत ने ले ली है। कफालत से मुराद ये कि उनकी तालीम की जिम्मेदारी अलखिदमत ने ले ली है। और ये जो खूबसूरत है यहाँ पर माहौल बना हुआ है, 200 से ऊपर यहाँ पर बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं अपनी ईद के लिए, तो अलखिदमत ने एक बजट सेट किया हुआ है तकरीबन 4000 रुपये पर बच्चा ईद की शॉपिंग के लिए। और यहाँ पर बच्चे कुछ भी खरीद सकते हैं, और स्पेशली चेज़ अप ने भी डिस्काउंट दिया हुआ है तकरीबन 20%, तो ये एक अच्छी शॉपिंग हो जाएगी। यहाँ पर भी शॉपिंग चल रही है। और यहाँ शॉपिंग कौन कर रहा है? आप कर रही हैं। और करवा कौन रहा है? हम वॉलंटियर। आप लोग करवा रहे हैं? क्या शॉपिंग करवा रहे हैं? इनको कपड़े खरीदे, शूज खरीदे। अच्छा, फिर इसमें शूज और कपड़े और ज्वेलरी। सही रहा, बेहतरीन। आपने खुद सिलेक्ट किया या इन्होंने आपको सजेस्ट किया? सजेस्ट। अच्छा, आपने जिंदगी की चॉइस बहुत अच्छी थी। ओरिजिनली बॉन को ज्यादा गाइड करने की जरूरत ही पड़ी, बहुत अच्छी चॉइस थी। वैसे आप हर साल आती हैं यहाँ पर? हाँ, हर साल ही। इनको जानती हो? ये मैम आती है। कैसे जानते हो? अभी जान ले, अभी बहुत पहली बार भी पहली बार एक्सचेंज हो गए। पहली बार पहले दिन दोस्ती। क्या बात है यार, जबरदस्त। दिस इज सो स्वीट यार, दिस इज सो स्वीट। सो ऑलरेडी वॉलंटियर्स की दोस्ती हो चुकी है बच्चों से। बड़ा जबरदस्त माहौल है, बहुत आई लव इट। अब मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, अब्दुल हादीन का नाम है। माशाल्लाह से अभी भी इन्होंने हिफ्स अपना कंप्लीट किया, और बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से कुर्तों में बहुत इंटरेस्ट है इनका। और आमिर लियाकत इनकी फेवरेट है ना, मना कर रहा हूँ। और ये वॉलंटियर है, और वॉलंटियर जो है इनको करवा रहे हैं शॉपिंग माशाल्लाह से। कुछ पसंद आया तुम्हें? ये आप बताएं कैसा लग रहा है? लग तो ठीक रहा है, पहनना तुमने पसंद तुम्हारी होनी चाहिए। कलर कौन सा पसंद है तुम्हें? कलर ब्लैक। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, यू लव ब्लैक, एवरी वन शुड लव ब्लैक। ये तो पिंक है, ग्रे। सही कह रहे हैं, या तो डार्क कलर आप पहनो ना। डार्क पहनो, डार्क अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं दरअसल यहाँ पर खिदमत वालों के साथ हूँ, क्योंकि वो बच्चों को जिस तरह से हम लोग जो खरीद सकते हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, वो जिस तरह खरीद सकते हैं अपनी मर्जी से, अलखिदमत आज वो काम कर रहा है जो किसी ने नहीं किया। वो अपनी मर्जी से बच्चों को जो दिल चाह रहा है बच्चे खरीद रहे हैं, और माएँ जितना खुश हैं, अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो माओं के चेहरों से जो खुशी नमदार हो रही है उसको हम जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप भी महसूस करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, हम काम सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। अलखिदमत का भी जो मोटो है वो हमारा मोटो है कि हम दरअसल फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, और रोज़े की हालत में वाकईतन 6 और 7 घंटे खड़ा होना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो काम रब के लिए किया जाता है वो वाकईतन बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है। दानियल भाई, आप बताएं कैसे? मैं 2015 से तो शौक़ है सोशल वर्क करने का, सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है तो सोशल वर्क करना है। और ये बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह 5 सालों में तो दिल चाहता है कहीं ना जाए, इन्हीं के साथ रहे, इन्हीं के साथ टाइम गुजारे, और बहुत मज़ा आता है। आप यकीन नहीं करेंगे कितनी खुशी होती है मिलके। वो जो कहते थे ना कि आप जब किसी के साथ कोई अच्छा करते हैं तो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि आपने कुछ किया है, एग्जैक्टली यही चीज़ है। सुनते थे, अभी महसूस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया है। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है बच्चों के साथ, और बच्चे बहुत खुश है माशाल्लाह से। बच्चे आके बता रहे हैं कि बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की चीज़ें ली हैं। और बच्चे तो इस इंतज़ार में रहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों से बच्चों के साथ इतने अटैच हो चुके हैं कि एक एक्टिविटी के बाद बच्चे अगली एक्टिविटी का पूछते हैं कि सर अगली एक्टिविटी कब होगी। इसके अलावा हर महीने हम बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें उनके चाइल्ड कैरेक्टर के सेशंस होते हैं, मुलाकात करते हैं बच्चों से। उनका एक जगह स्टडी सेंटर हमने बनाए हुए हैं पूरे कराची में, 18 स्टडी सेंटर्स हैं। वहाँ पे हमारी ट्रेनर जाता है, ख़वातीन के साथ जो है वो ख़वातीन ट्रेनर होता है, तो बड़ी बच्चियों को ख़वातीन को जो है वो इंटरटेन करती हैं। जो बॉयज़ हैं उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। जो वैल्यू हमारी एक वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी होती है, मिसाल के तौर पर जो है वो झूठ बोलना पूरी आदत है, झूठ बोलने के ऊपर उन बच्चों को पूरा लेक्चर होता है, तरबियत होती है। और उस तरबियत में सिर्फ लेक्चर नहीं होता बल्कि उस पर एक्टिविटीज़ भी होती हैं उसी मौजू से रिलेटेड। थैंक यू, शुक्रिया। अलखिदमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनजीओ है, और ये प्रोजेक्ट इस बड़ी सी एनजीओ का एक छोटा सा पार्ट है।
अलखिदमत आपकी सपोर्ट और डोनेशन के बगैर इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। आपसे दरख्वास्त है कि इन्हें सपोर्ट करें और जितना डोनेट कर सकते हैं करें। ये कुछ बैंक डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फी अमानिल्लाह।